मौत के सामने काल सा गरजा युवराज का बल्ला, जिससे 2011 में पूरे देश में हुआ इंडिया लिफ्ट सा वर्ल्ड कप का हल्ला। स्टुअर्ट ब्रॉड को लगाए 6 छक्के, 2007 T20 और 2011 वर्ल्ड कप में खून की उल्टी करके भी किया ऐसा प्रदर्शन जिसे देखकर सब रह गए हक्के बक्के। आज देश के उस खिलाड़ी का जन्मदिन है जिसने हमेशा खुद से पहले देश को रखा है। आज जन्मदिन है सिक्सर किंग युवराज सिंह का। आइए इस खास दिन पर जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इन्फॉर्मर और मैं हूं आपके साथ देवेश श्रीवास्तव। खून की उल्टी करके भी देश के लिए खेला, सेहत की बाजी हारते हुए भी देश के लिए सब कुछ झेला। क्यों क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे सिक्सर किंग? किस दिग्गज ने युवराज सिंह को कहा था कि वो नहीं बन सकेंगे कभी क्रिकेटर? भारत के नंबर 12 यानी युवराज सिंह आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। साल के 12वें महीने के 12वें दिन 1981 में जन्मे युवराज का नंबर 12 से काफी गहरा रिश्ता है। वो भारतीय टीम में भी नंबर 12 की जर्सी पहनते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े मैच विनर कभी क्रिकेटर नहीं बनना चाहते? और तो और, भारत के लाफ्टर किंग और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने तो युवराज के पिता योगराज सिंह को ये साफ कह दिया था कि ये लड़का कभी क्रिकेटर नहीं बन पाएगा। लेकिन योगराज को ये बात चुभ गई, जिसके बाद खुद योगराज ने युवराज सिंह को ट्रेन करना शुरू किया और दोनों की कड़ी मेहनत की वजह से युवराज का सिलेक्शन भारतीय अंडर 19 में हुआ, जिसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। जहां मैच बड़े होते हैं वहां युवराज हमेशा खड़े होते हैं। चाहे बात 2007 T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें युवराज ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता था, और उस टूर्नामेंट में युवराज के 6 बॉल पे 6 छक्कों को कौन भूल सकता है। इसके बाद दूसरा बड़ा पंगा आया 2011 वर्ल्ड कप, जिसमें एक बार फिर युवराज को मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड से नवाजा गया। युवराज ने अपने करियर में कुल 11,778 रन बनाए, इसमें ओडीआई में 8,701, टेस्ट में 1,900 और T20 में 1,177 रन ठोके हैं। युवराज ने बतौर गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 148 विकेट लिए। क्रिकेट इन्फॉर्मर की ओर से भारत के इस दिग्गज मैच विनर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अगर युवराज सिंह आपके भी सबसे फेवरेट खिलाड़ी हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार हमें जरूर दिखाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।